चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं पार्ट 8 ऑफ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए कैसे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना वो देखते हैं। तो विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस, दैट इज अप टू 5.3777, 5 डेसिमल लिए पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो पहले हम लेंगे 5.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो 5.3 किसके बीच में लाई करता है, 5 एंड 6 के बीच में। तो ये 5 हो गया, 5.1, 5.2, 5.3 आ गया। अभी लेना है आपको 5.37 नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, अभी 5.37, 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करता है। तो 5.3, 5.31, 32 ऐसे करके आएगा 5.37। अभी 5.377 लेना है, तो ये लाई करेगा 5.37 टू 5.38 के बीच में। तो 5.371, 5.372 ऐसे करते करते आएगा 5.377। ठीक है, फिर लेना है 5.3777, तो ये लाई करेगा 5.377 टू 5.3778 के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.3771, 5.3772, 5.3773 ऐसे आएगा 5.37777। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग लाई करेगा। तो वैसे ही तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल तक उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 5 डेसिमल प्लेसेस तक। उसके बाद का देखो, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं ये पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम और डिफरेंस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल को जब आप ऐड करोगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2√2 + 5 ये रैशनल है, ये रैशनल इरैशनल को ऐड किया, एंड √2 − 3 अब इसको ऐड करना है। तो 2√2 + 5 + √3 − 3 तो यह आ जाएगा 2√2 + 5, ये ब्रैकेट हटा दिया अपने, √2 − 3। अभी लाइक टर्म्स कलेक्ट करो। लाइक टर्म्स कैसे देखना है, √2√2 जैसे आप xx वाले कलेक्ट करते हो ना लाइक टर्म्स, वैसे यहाँ रूट सेम रूट वाले टर्म्स जो रहेंगे वो लाइक टर्म्स रहेंगे। तो 2√2 + √2 + 5 − 3। अभी देखो एडिशन में क्या करना है, ये √2√2 ऐड नहीं होगा। जब आप 2x और x को ऐड करते हो तो आप x को भी ऐड करते हो क्या, नहीं, किसको ऐड करते हैं, उसके सामने वाले कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो रूट टू के सामने जो नंबर है उसको ऐड करना है हमको। तो रूट टू के सामने कौन सा नंबर है, 2, और इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या लेना है, 1। तो 2 + 1 क्या आएगा, 3, और ये रूट टू कॉमन लिखना है। जैसे हम x को कॉमन लिखते हैं ना वैसे ही, तो आ जाएगा 3√2 + ये आ जाएगा 5 − 3 = 2। तो जब हम एक रैशनल और एक इरैशनल को ऐड करते तो वी गेट एन इरैशनल नंबर। तो ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और कोशेंट मतलब डिविजन। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑफ रैशनल विथ एन इरैशनल। रैशनल और इरैशनल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इरैशनल। तो इसको देखो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 6√5 × 2। तो इसमें कैसे किया हमने, मल्टीप्लीकेशन है तो 6 × 2 को साथ में लिखा, √5 इधर लिखा। फिर केवल 6 × 2 ही मल्टीप्लाइड होगा, 12√5, ये 12√5 का टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा 12 के साथ। ठीक है, तो दिस इज एन इरैशनल नंबर। उसके बाद थर्ड है, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स। क्या बोल रहा है, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल, दो इरैशनल नंबर्स को अगर हम एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो रिजल्ट मे बी रैशनल और इरैशनल। सो यहाँ पर देखो, जैसे 6√2 × 2√5 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिखा 6 × 2 + √5 × √5। ठीक है, तो 6 × 2 = 12 और √5 × √5 कितना होता है, 5। तो 12 × 5 = कितना होता है, 60।
ठीक है, जब हम सेम रूट को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट के बाहर निकल जाता है, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव हो गया फाइव, तो ट्वेल्व इंटू फाइव हो गया सिक्सटी। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 16, यहाँ देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं 5 माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस रूट फाइव, ये दो टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट फाइव। तो यहाँ पर देखो ये 5 को हम ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस रूट सेवन को भी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस रूट फाइव माइनस रूट सेवन इंटू 2 माइनस रूट फाइव। ठीक है, तो ये कितना आया, 5 टू ज 10 और ये 5 इंटू रूट फाइव कितना हो जाएगा, नंबर हमेशा रूट के सामने लिखना है, ये 5 5 को मल्टीप्लाइड नहीं होगा, रूट रूट के अंदर मल्टीप्लाइड होते हैं टर्म्स, ये रूट के बाहर टर्म्स है, ये रूट रूट के अंदर नहीं है, ये तो रूट के बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा, 5 रूट फाइव। ठीक है, माइनस रूट सेवन इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये देखो 2 रूट के अंदर नहीं है तो रूट के बाहर रहेगा ये टर्म, 2 रूट सेवन प्लस, अब ये रूट सेवन इंटू रूट फाइव ये दोनों भी रूट के अंदर है टर्म है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 35। यहाँ कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं कि आपको, नहीं है, यहाँ रूट फाइव है या रूट सेवन है तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो 5 प्लस रूट टू इंटू 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट फाइव इंटू 5 माइनस रूट फाइव। अभी देखो यहाँ दोनों भी टर्म सेम है, बस साइन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ हम a प्लस बी ए माइनस बी कैंडिडेट यूज कर सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या लेना है रूट फाइव, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट फाइव स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 25 माइनस 5 कितना आ गया 20। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो रूट सेवन प्लस रूट थ्री प्लस रूट सेवन होल स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट सेवन प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट सेवन होल स्क्वायर, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर कितना आता है 3 प्लस। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, रूट वाले टर्म्स रूट के अंदर मल्टीप्लाइड होंगे, जिसमें रूट नहीं है वो बाहर ही रहेगा, तो 2 को हमने बाहर रखा है, ये रूट मल्टीप्लाई किया रूट 21 आ गया, प्लस रूट सेवन का स्क्वायर, मैंने बताया सेम रूट को जब आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7, जैसे रूट सेवन को दो बार मल्टीप्लाई किया रूट 49 आता है, रूट 49 किसका स्क्वायर रूट रहता है 7 का, तो डायरेक्टली आप याद रखो जब हम सेम टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 7। अब ये लाइक टर्म्स है 7 प्लस 3 ये ऐड हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, यहाँ पर भी सेम है बेटा, देखो ये एक प्लस है एक माइनस है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पर भी सेम करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री लगानी है, तो ए यहाँ पे लेना है रूट 11 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, अभी सेम रूट का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा रूट के बाहर हो जाएगा, माइनस रूट 7 भी सेम नंबर है दो बार मल्टीप्लाई करना है उसका स्क्वायर करना है तो 7 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, थैंक यू।